हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड दीपांकर और मैं आज नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है। आप ये वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी फोटोग्राफी लवर है, भले ही मोबाइल से है या कैमरे से, इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इसमें कई इंटरेस्टिंग फैक्टर आने वाले हैं जो कि पोस्ट प्रोसेसिंग को बेटर बनाएगा। अगर आप कोई भी फोटोग्राफी करते हैं मोबाइल से या DSLR से, हम क्या करते हैं, फ़ोटो खींची उसको या तो हम अपलोड करते हैं या नहीं करते हैं, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ लगता ही नहीं है हमें। कई बार ब्राइटनेस अप हो जाती है, कई बार डम डाउन हो जाती है, लेकिन गाइज उसका सब सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन सब में काम करेगा। गूगल का ऐप है स्नैपसीड, जी हाँ गूगल का ऐप है, तो पूरा ट्रस्टवर्दी है और मैं भी करंट में इसी ऐप को यूज़ कर रहा हूँ अपनी इमेज प्रोसेसिंग के लिए। तो गाइज पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी इमेज के लिए, किसी भी फ़ोटो के लिए, तो वो आप ज़रूर करें। और ये मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल दे रहा हूँ नेक्स्ट, तो आप इसको ज़रूर लास्ट तक देखिए। ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्नैपसीड ऐप डाउनलोड करनी होती है, मैंने ऑलरेडी कर दी है टाइम बचाने के लिए, तो इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टैप एनीवेयर टू ओपन अ फोटो बटन, यहाँ पे क्लिक करते हैं और जहाँ पे भी आपने इमेज रखी है वो ओपन हो जाएगी यहाँ से। तो सपोज़ मैंने अपने फोल्डर के अंदर डाल रखी है ड्राइव में, तो मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि थोड़ा सा टाइम ले रही है, इमेज का साइज़ बड़ा है। और ये आप देख सकते हैं फुल फ्रेम में है, ग्रेट बारवेट की पिक्चर जो कि मैंने 7 साल में ली थी। तो गाइज़ इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चलिए टूल्स में जाते हैं, यहाँ पे हम क्रॉप कर लेते हैं और थोड़ा ऊपर का पार्ट एडिशनल लग रहा है तो इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं। टूल्स में जाके गाइस अब डिटेलिंग करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि पिक्चर सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा डिटेल मिल जाए, और यहाँ पे इमेज को साफ कर लेते हैं। तो उसके बाद हम टूल्स में जाते हैं, अगेन ट्यून इमेज सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस की ज़रूरत है तो इंक्रीज़ कर देते हैं ब्राइटनेस, और सैचुरेशन भी चाहिए थोड़ा सा जो इफेक्ट देगा पिक्चर में, और एम्बियंस को थोड़ा बैकग्राउंड और ब्राइट करने के लिए हम एम्बियंस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि अभी ये फ़ोटो रेडी है आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग। अब हम टूल में जाके नॉर्मली यहाँ पे आप टेक्स्ट देख रहे हैं, टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया और गाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं लोगों के हैं, लोगो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो मैं अभी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें अपने चैनल का नाम डाल लेता हूँ। गाइज़ ये मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम का चैनल का नाम है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए अगर नहीं किया अभी, वाइल्ड लाइफ डीजोन। और यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाके नॉर्मली इसको सेव कर लेते हैं और हम यहाँ पे ओपन में जाके नेक्स्ट फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट फ़ोटो जो कि फीमेल सिकारा की है। इमेज का साइज़ बड़ा है तो इसलिए टाइम ले रहा है थोड़ा प्रोसेस करने के लिए, ड्राइव में यूजुअली मैं मेरी इमेज का साइज़ ज़्यादा होता है बिकॉज DSLR की फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ पे फीमेल सिकारा की फ़ोटो आ गई है जो नेचुरल है विदाउट एनी एडिटिंग। तो गाइस आप देख रहे हैं फुल फ्रेम है, अभी मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइज़ मैंने अपने सब्जेक्ट को और अपने अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा क्रॉप कर दिया है साइड का, अभी आप देख रहे हैं कि पीछे बोके इफेक्ट भी अच्छा मिला है और सब्जेक्ट भी एकदम क्लियर है। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ हम देख रहे हैं जो ऊपर एक ब्रांच है, तो गाइज़ हम ब्रांच को कैसे हटाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हीलिंग का ऑप्शन आप देख रहे हैं, हीलिंग को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसको नॉर्मली इसके ऊपर रख दीजिए, तो आपका बैकग्राउंड से कोई भी अनवांटेड चीज़ यहाँ से आप हटा सकते हैं और यहाँ से करेक्ट में सेंड कीजिए। तो गाइज़ अब हम टूल्स में जाके इसकी डिटेल्स इंक्रीज़ करते हैं, तो स्ट्रक्चर को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और इमेज की शार्पनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और ट्यून इमेज में जाते हैं। गाइज़ इसमें ब्राइटनेस की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, तो सेचुरेशन में हम जाते हैं, सेचुरेशन में सब्जेक्ट में थोड़ा डिटेल और मिल जाएगी हमें, और एम्बियंस से थोड़ा लाइट इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं अभी ये फ़ोटो हमारी रेडी हो चुकी है आपका पोस्ट प्रोसेसिंग, और आप ख़ुद कंपेयर कीजिएगा कितना डिफरेंट आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे हम जाके सिंपली लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो गाइज़ मैं अभी दूसरा लोगो सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइज़ अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपके पास, तो मैं यहाँ पर वाइट रख लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए और नॉर्मली इसको एक्सपोर्ट पर जाके सेव कर लेते हैं।
उसके बाद हम अनदर फोटो कहीं से क्लिक करेंगे ओपन में जाके। जो अपकमिंग फोटो है वो है ग्रीन बी ईटर की। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये फुल फ्रेम फोटो है जिसमें बीटर के मुंह पे इंसेक्ट है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है तो इसलिए फ्रेम बड़ा है, लेकिन पिक्चर को हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो गाइज मैंने क्रॉप कर दिया है ताकि फोकस हमारा सब्जेक्ट पे दिखे। अब यहाँ पे हम अनवांटेड एक ब्रांच देख रहे हैं, उसको हीलिंग के जरिए हम हटा देते हैं। गाइज टूल्स में जाते हैं, डिटेल्स में, स्ट्रक्चर पॉइंट हमने इंक्रीज कर दिया है, सॉफ्टनेस में इसकी बढ़ा दी है। टूल्स में जाते हैं, अब सेचुरेशन को हम इंक्रीज करते हैं और गाइस एम्बियंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि पीछे का बैकग्राउंड और अच्छा दिखे। तो इसमें बोके इफेक्ट भी काफ़ी सही आया है। तो ये इमेज हमारी अभी रेडी हो गई है और इसको नॉर्मली हम जाके टेक्स्ट में लोगों के साथ सेव कर लेते हैं। और गाइस नेक्स्ट इमेज के लिए हम ओपन जाते हैं, ओपन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एमरल्ड डब की इमेज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसे ग्रीन विंग डब भी बोलते हैं या ग्रीन विंग पिजन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने 7 साल में ही क्लिक की है। साइज़ बड़ा होने की वजह से टाइम लग रहा है। ओपन हो गई इमेज, अब क्रॉप कर लेते हैं अनवांटेड फील्ड जो हमें दिख रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट में लाइट इफेक्ट अच्छा मिला हुआ है, क्लियर है एकदम फोटो, और बैकग्राउंड थोड़ा हमें वुडन का मिल रहा है। तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो अभी देखते हैं। चलिए टूल्स में जाते हैं, सबसे पहले हम डिटेल्स में जाते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ी इमेज को अपना साफ बना लेते हैं। तो गाइज़ उसके बाद ट्यून में जाते हैं, सैचुरेशन को मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा। और गाइज़ इसमें एम्बियंस का बहुत बड़ा रोल है, अगर आपको इमेज में डल चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, अगर आपके सब्जेक्ट में लाइटिंग अच्छी है तो आप कर सकते हैं। देखिए अगर मैं एम्बियंस यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो पीछे का बैकग्राउंड आपको ब्राइट दिखने लग जाएगा, और मैं एम्बियंस हटाता हूँ तो पीछे का बैकग्राउंड आपका ब्लैक होता जाएगा, एकदम हाइड होता जाएगा। तो मुझे इसमें हाइड करना है पीछे के बैकग्राउंड को, तो मैंने 100 में रख दिया है। तो ये देखिए अभी सब्जेक्ट आपका क्लियर दिख रहा है और पीछे का बैकग्राउंड एकदम गायब हो गया है। तो इसको अब मैं जाके यहाँ पे टूल्स में जाके लोगो देके सेव कर लेता हूँ। तो गाइज़ आपने देखा कितनी सिंपल सी प्रोसेस है आफ्टर इमेज प्रोसेसिंग की, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी सारी फोटो में ये करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो पोस्ट प्रोसेसिंग इमेज है और उसका कंपेरिजन, तो ये वीडियो पूरी देखिए। थैंक यू सो मच।